नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल जय हिंद सत्यमेव जयते। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे, अपने घर के अंदर होंगे। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये मेरा 44th ब्लड डोनेट है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी लगती है कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आधुनिक विज्ञान की वजह से भी मशीनों में नहीं बनाई जा सकती। और आप ये एक ऐसा सहयोग है जिसको करने से आप पता नहीं कितनी जाने, और ज़रूरी नहीं है कि ब्लड आपका हमेशा किसी को देने के काम आए। बहुत सारे रिसर्च में काम आता है, बहुत सारी जगहों पे काम आता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये वाली मुसीबत के टाइम में COVID-19 में आप लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और अपने पूरे के पूरे नियमों का पालन करें, और आप खून की कमी अपने वतन में होने ही ना दें, जिसकी वजह से आप सब के सब फाइट कर सकते हैं, किसी का इलाज करा सकते हैं। इट्स अगेन माय 44th टाइम, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी अपने काउंट्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। देखिए ये हैं सर, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम शरद इंगड़ा, हम लोग लगभग साल में ज़्यादा ये टारगेट रहता है कि ज़्यादा ज़्यादा कैंप लगाएं, लगभग साल में 40 से ज़्यादा कैंप लगाते हैं। आज हमारे दो कैंप हैं, हमारी संस्था का नाम कंचन देवी मेमोरियल ट्रस्ट है, जिसके बैनर तले आज हम दो ब्लड कैंप लगा रहे हैं। और हम चाहते हैं, लॉकडाउन में दो कैंप पहले लगा चुके हैं और कल परसों में वापस कैंप, चाहते हैं लॉकडाउन में ज़्यादा से कम से कम 20-30 कैंप लगाएं, ताकि चाहे छोटे छोटे कैंप भी लगें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। इसी तरीके से हम लोगों को समाज के अंदर रहते हुए, समाज में भागीदारी निभाते हुए सबका साथ देना चाहिए, सबके साथ अपने आप को बल देना चाहिए, और ब्लड को दान नहीं समझना चाहिए, एक सहयोग समझना चाहिए। पता नहीं इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ जाए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे।